हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आगे पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता के क्रम में उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें पार्ट 1 में वैदिक सभ्यता के बारे में बताया गया है, पार्ट 2 में ऋग्वैदिक काल से संबंधित जानकारियाँ देखने को मिलेंगी, और आज ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें आपको उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चाएँ करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल का जो क्रम है, तो ये उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में काफ़ी परिवर्तन अंतर देखने को मिलते हैं। तो चलिए कुछ देख लेते हैं, इनके राजनीतिक जीवन में अंतर देखने को मिले हैं, सामाजिक जीवन में भी अंतर देखने को मिले हैं, आर्थिक जीवन में भी और धार्मिक जीवन में विभिन्न प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं इनके जीवन को, कि इनका जीवन कैसा रहा उत्तर वैदिक काल में। जैसे कि दोस्तों, आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल का जो क्रम माना जाता है, तो 1000 BC से लेकर 600 BC के आसपास माना जाता है। तो 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हो चुकी थी, जिससे इसमें कृषि को ज़्यादातर सहायता प्राप्त हुई, कृषि क्षेत्र में सहायता प्राप्त हुई लोहे की खोज से। और इसमें उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति भी काफ़ी हद तक मजबूत हुई, और लोहे के प्रयोग से जो है तो आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत हो गई थी, क्योंकि इस काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। चूंकि आपको पढ़े चुके हैं कि ऋग्वैदिक काल में तांबा, कांस्य, टिन आदि का प्रयोग मिलता है, यह लोहे का वो नहीं, मतलब लोहे का प्रयोग नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि यहाँ लोहे की खोज होने के कारण यहाँ भी कृषि का जो महत्व है तो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, इसका प्रमुख व्यवसाय भी कृषि हो चुका था। तो चलिए इसके राजनीतिक जीवन को देख लेते हैं, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन कैसा रहा। तो इनको राजनीतिक जीवन देखते हैं, राजनीतिक जीवन क्या था। तो राजनीतिक जीवन में जन का आकार बड़ा हो गया था और इसे जनपद कहने लगे थे। क्योंकि आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन था, तो वो लोग कबीले में रहते थे, तो इन्हें जन कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में इन जनों का आकार बड़ा होने से इन्हें जनपद कहा गया, जनपद कहने लगे। जैसे उत्तर वैदिक काल में भारत और पूर्व के मिलने से कुरु जनपद का निर्माण हुआ, तो जनपदों का आकार बड़ा होने के कारण ही जनपद भी कहा जाने लगा। यहाँ राजा का महत्व बढ़ चुका था, उनकी शक्तियों को बढ़ावा मिल गया था, राजा का महत्व यहाँ अधिक हो गया था। जैसे आपने ऋग वैदिक काल में देखा कि राजा का महत्व सीमित था, उनकी शक्तियों भी सीमित थी, यहाँ क्या हुआ, राजा का महत्व बढ़ गया, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत थी यहाँ की उत्तर वैदिक काल में। तो राजा का महत्व बढ़ गया और उनकी शक्तियों को भी बढ़ावा मिल गया, और राजा का जो पद था तो वंशानुगत हो गया, राजा का पद वंशानुगत हो गया, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा इस काल में नियम बन गया था कि पद जो था तो वंशानुगत कर दिया गया था। और आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में रत्नों की संख्या 7 थी, तो यहाँ रत्नों की संख्या बढ़ाकर 17 हो गई थी, 17 रत्नों की संख्या। रत्न अधिकारी कहलाते थे, अधिकारी जो होते थे तो उन्हें रत्न कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में 7 मतलब रत्नों की संख्या थी, और यहाँ बढ़कर 17 हो गई थी। और इस काल में कर जो था नियमित रूप से देना पड़ता था, कर नियमित हो गया था, सेना और न्याय अभी पूर्णतः स्थायी नहीं हुआ था, न्याय का और सेना का नियमित रूप से स्थायीपन नहीं मिला यहाँ पे, तो सेना और न्याय अभी पूर्णतः स्थायी नहीं था। तो ये था राजनीतिक जीवन। आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक जीवन उत्तर वैदिक काल का और ऋग वैदिक काल में काफ़ी अंतर देखने को मिला। तो ये था राजनीतिक जीवन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके सामाजिक जीवन से भी देख लेते हैं। सामाजिक जीवन में भी, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके हर प्रकार के जीवन, जैसे राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन, मतलब ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में काफ़ी अंतर देखने को मिला है। तो चलिए सामाजिक जीवन की ओर देखते हैं, सामाजिक जीवन कैसा रहा इनका। तो सामाजिक जीवन में इनका जो सबसे छोटी इकाई थी परिवार था, परिवार से ग्राम बना और ग्राम से विश्व का निर्माण हुआ, और जन से जो है तो जनपद का निर्माण हुआ। इस प्रकार का क्रम जो मिलता है सामाजिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में, तो ये रहा। तो इस काल में जो है तो वर्ण व्यवस्था जो थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो थे, तो इस काल में
जन्म आधारित थे, जबकि आपने पढ़ा होगा कि ऋग्वैदिक काल में ये कर्म आधारित थे, तो इस काल में जन्म आधारित होगा ऐसे कि मतलब जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, जो क्षत्रिय में जन्म लेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो वैश्य में जन्म लेगा वो वैश्य ही कहलाएगा, और जो क्षुद्र में जन्म लेगा तो वो शूद्र ही कहलाएगा। तो शूद्रों का ज़्यादातर काम क्या होता था कि इन्हीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा करने में आधारित काम था। और सामाजिक जीवन में उत्तरवैदिक काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई, मतलब एक गोत्र में गोत्र होता था कि गायों का समूह होता था, कि अगर कोई भी एक गोत्र का है तो वो अपनी गोत्र में शादी विवाह नहीं कर सकता था, ऐसा माना जाता उत्तरवैदिक काल में। और इस काल में आश्रम व्यवस्था भी शुरू की गई थी। आश्रम व्यवस्था क्या होती है कि ब्रह्मचर्य का जो समय माना जाता है 0 से 25 साल तक माना जाता है, गृहस्थ जीवन 25 से 50 साल तक, वानप्रस्थ 50 से 75 साल तक, और संन्यास 75 से 100 साल तक। ब्रह्मचर्य में ये होता था कि इनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी कार्य होते थे, पढ़ाई लिखाई करना, उनको सब कुछ जीवन काल के बारे में बताना। और गृहस्थ जीवन में क्या होता था, 25 से 50 साल की उम्र में ये होता था कि इनको अपने गृहस्थ के बारे में शादी विवाह करना और संतान उत्पन्न करने की स्थिति गृहस्थ जीवन में होती थी। और वानप्रस्थ में क्या होता था कि वानप्रस्थ में जो ब्रह्मचर्य के होते थे तो उन्हीं उन्हीं को पढ़ाना लिखाना वानप्रस्थ के लोग करते थे। ब्रह्मचर्य में जो स्थिति में है उनको पढ़ाना लिखाने का कार्य वानप्रस्थ के लोगों का होता था। और 75 से 100 साल के बीच में उनको संन्यास ले लेते थे, मतलब उनको अपने मौत का इंतजार करने में लग जाते थे, उनके पास और कोई कुछ काम नहीं बचता था। तो आश्रम व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। सामाजिक जीवन से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ध्यान में रखते हुए और देख लेते हैं कि असामाजिक जीवन कैसा रहा। इस काल में जो गृहस्थ जीवन था, गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है इस काल में। उत्तर वैदिक काल में जो स्त्री की स्थिति थी, तो ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। कई प्रकार के जो प्रथाएं थी उनके खिलाफ तो वो चालू की गई, जैसे समिति और विदय जैसे पदों जो होते थे ऋग वैदिक काल में, तो उसमें महिलाओं को शामिल किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। यहाँ समिति और विदय में महिलाओं को जगह नहीं मिलती थी, यहाँ पर्दा प्रथा की शुरुआत की गई। विभिन्न प्रकार के महिलाओं के खिलाफ मतलब कि योजनाएं थी उनके खिलाफ, जिससे स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ दास प्रथा भी सुचारू रूप से उसी प्रकार चल रही थी जैसे कि मतलब कि ऋग वैदिक काल में चल रही थी। मनोरंजन के लिए लोग शराब पीते थे, संगीत करते थे। भोजन के में देख लेते हैं, भोजन में वही शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किए करते थे। और विवाह में अनुलोम और प्रतिलोम दो प्रकार के विवाह होते थे। तो अनुलोम विवाह वो होता है जो किसी उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की महिला से अगर शादी करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं, और किसी निम्न वर्ग का पुरुष किसी उच्च वर्ग की महिला से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। इस काल में विद्वान महिलाओं विदेशी विद्वान महिलाओं का भी जिक्र मिलता है, जैसे गार्गी, कात्यायनी और मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, मैंने ऋग्वैदिक काल में भी आपको गार्गी, कात्यायनी और मैत्रेयी आदि नाम बताया हुआ था, लेकिन गार्गी, कात्यायनी और मैत्रेयी जो विदुषी महिलाएं थीं तो वो उत्तर वैदिक काल के हैं। तो आपको ध्यान में रख लेना है कि गार्गी, कात्यायनी और मैत्रेयी जो हैं तो वो उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं। और ऋग वैदिक काल में आपको ध्यान में रख लेना है 3 नाम, वो आपको बताता हूँ कौन कौन से नाम है, वो आपको ऋग वैदिक काल में ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं वो कौन से नाम है जो ऋग वैदिक में मिलते हैं। दोस्तों, आपको ऋग वैदिक काल में इन महिलाओं को ध्यान में रखना है, जैसे विश्वबारा, अपाला, लोपा मुद्रा और घोषा, ये महिला हैं जो ऋग वैदिक से संबंधित हैं। मैंने वीडियो में गलत बता दिया था, वो जो ऋग वैदिक काल में मैंने बताया था मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी, तो वो उत्तर वैदिक काल की हैं। तो ऋग वैदिक काल में आपको इन चारों को ध्यान में रखना है, इन चारों को विश्वबारा,
अपला, लोपा मुद्रा और घोसा, ये ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं। तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर से लौटते हैं वहीं। तो उत्तर वैदिक काल में हम आर्थिक स्थिति को भी देख लेते हैं कि आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो चलिए आर्थिक स्थिति पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ लोहे की खोज होने के कारण कृषि की प्रधानता मिल गई। लोहे की खोज से भी उत्तर वैदिक काल में अनेक प्रकार की आर्थिक स्थितियों में मजबूती देखने को मिली है। तो यहाँ कृषि को प्रधानता मिली सिर्फ लोहे की खोज के कारण। और काठक संहिता एक प्रकार की संहिता है जिसमें 24 बैलों के हल का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से हल का वर्णन मिलता है क्योंकि कृषि प्रधान हो चुका था। और यहाँ का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। क्योंकि आप ऋग्वैदिक काल में आपने पढ़ा है कि प्रमुख व्यवसाय जो था तो पशुपालन था और द्वितीय व्यवसाय जो था तो कृषि था। जबकि यहाँ एकदम उल्टा हुआ है। यहाँ कृषि को प्रधानता मिली है और दूसरा जो प्रमुख व्यवसाय था तो पशुपालन था। उद्योग एवं व्यापार का विकास हो चुका था। विदेशी व्यापार का प्रचलन था जबकि ऋग्वैदिक काल में विदेशी व्यापार का प्रचलन नहीं था। मतलब कि वहाँ विदेशी व्यापार नहीं होता था, सिर्फ आंतरिक व्यापार होता था। उत्तर वैदिक काल में विदेशी व्यापार था लेकिन आंशिक मात्रा में था। सिक्कों का प्रचलन अभी तक नहीं हो पाया था। यहाँ वस्तु विनिमय द्वारा ही व्यापार किया जाता था। तो ये रही इसके आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति से भी कई प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा। अब चलते हैं धार्मिक स्थिति को भी देख लेते हैं। धार्मिक स्थिति कैसी रही उत्तर वैदिक काल की? धार्मिक स्थिति जो थी तो यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया। क्योंकि यहाँ आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार देखने को मिला जिससे यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व भी बढ़ गया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय के संघर्षों का दौर शुरू हो गया था। क्योंकि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे तो अपना अपना वर्चस्व बनाने के लिए कि हम एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं तो उनके ऊपर भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। प्रमुख देवता के रूप में प्रजापति को मानते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को प्रमुख देवता के रूप में मानते थे। और उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का भी जिक्र मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से यज्ञ थे। तो राजसूय यज्ञ क्या था कि प्रतिष्ठा के लिए, मतलब जो जब कोई राजा अपना सिंहासन संभालता था या जब कोई राजा अपना राजगद्दी संभालता था तो प्रतिष्ठा यज्ञ करता था जिसे राजसूय यज्ञ कहा जाता है। अपनी प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ करता था जिसे राजसूय यज्ञ कहा जाता है। वाजपेय यज्ञ होता था, वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था कि हम शक्ति प्रदर्शन मतलब कि बलवानता या अपनी वीरता को दिखाने के लिए वाजपेय यज्ञ किया जाता था। एक अश्वमेध यज्ञ होता था राज्य विस्तार के लिए, मतलब अश्वमेध मतलब अपने घोड़े को छोड़ा जाता था लड़ाई करवाने के लिए, युद्ध के लिए घोड़े छोड़े जाते थे जिससे राज्यों को विस्तार करने के लिए घोड़े छोड़े जाते थे, जिससे युद्ध होता था और उनका राज्य विस्तार होता था। तो ये रहे हमारे उत्तर वैदिक काल के कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट जो आपको कई प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। और उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के और यज्ञ होते थे। मैंने डिस्कशन जो मेन था तो डिस्कशन कर लिया है। ज़्यादातर आपको परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए ये हमारा उत्तर वैदिक काल भी ख़त्म हो गया। क्योंकि उत्तर वैदिक काल जो था तो बहुत कठिन काल माना जाता है, बहुत जटिल काल माना जाता है। तो इस काल के अंत के लिए अब हम लोग इस काल से कुछ है मतलब कि नियंत्रित करने के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का निर्माण होता है इस काल के बाद। तो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।